9 हफ्तों तक मेरे को सबने हल्के में लिया ही नहीं था, कोई भिड़ता ही नहीं था, कोई सामने आता ही नहीं था। कि वो फिर किसी के वो होमवर्क बोलो या जो भी बोलो, कोई आता नहीं था आड़े में अपने। लेकिन 9वें हफ्ते में जरा भाई ने बोला कि इसका ग्राफ नीचे जा रहा है, ये वो, तब के तू ठंडा दिख रहा है ये वो। और हमने फिर सिटी वो से ऊपर आयशा लेके आए आयशा की थे, एंट्री हमने हुई, पोकिंग तो की, आयशा की एंट्री के हम बाद देखे लगा, थे। नहीं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी पूरे घर की बात कर रहा हूँ, आयशा की एंट्री बाद भी लगा कि वो कहीं मौका मिला है शेर दबाने का वगैरह, समझ रहे हो। तो उसमें थोड़ा लोगों ने वो शुरू किया हल्का फुल्का, और मैं बहुत लो था, जेन्यूनली मैं बहुत एम्बेरस था, और मैं जेन्यूनली बहुत हैप्पी हूँ सिचुएशन के लिए। अगर बाहर की दुनिया में शायद वो सिचुएशन हुई होती, मैंने हैंडल कर लिया होता, यहाँ मैं जस्ट बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए मुझे पता चला कि मैं कितना गलत हूँ, बाहर शायद मैं रियलाइज ना होता। तो उस चक्कर में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लोगों ने थोड़ा हल्के में लिया था, और रिकवर होने टाइम लगता है। तो जब रिकवर मैं हुआ तो 2 लोगों को तो दरवाजा दिखा दिया, हाँ टनल 2 लोगों को तो दिखा दिया, तो बाकी का बस मजबूती से खड़े और मेहनत कर रहे कि यहाँ पे सब लोग ही धुरंधर ही है। अभी जैसे बिग बॉस ने बोला, जेन्युइनली सब लोग धुरंधर है, तो उसके अंदर और मेहनत है। तो वही शुरू हो चुकी है 2 हफ्ते से, तो मुन्ना खटक रहा। नमस्कार, मैं हूँ सरिता सिंह फीफा फूस से, और मेरा सवाल बनारा के लिए है। इतना डेस्परेशन भी अच्छा नहीं है, जी ये वॉनाबी है, वो बहुत वॉनाबी है, पर मनारा जहां से हम शो देख रहे हैं इस सीजन में सबसे ज्यादा डेस्परेट और वॉनाबी अगर कोई नजर आ रहा है तो वो मनारा है। जी आपने खानजादी के कैरेक्टर पर क्या कहा, आपको याद होगा, मैं दोहराना क्या नहीं चाहती। कैरेक्टर क्या के आगे, कैरेक्टर के आगे एक वर्ड लगाया आपने, कैरेक्टरलेस कहा। ओके आपने आयशा के बारे में बहुत ऐसे आपत्तिजनक शब्द जी कहे, तो जी क्या आप भूल गई थी कि आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, या आपको लगता है ये सब अप्रोप्रिएट है कहना, ओके अदरवाइज भी अप्रोप्रिएट है कहना। और साथ ही साथ ये भी कि आप मुनव्वर की फ्लाइट में सेफली लैंड बैठ करके आराम से और फिनाले में लैंड हो गई हैं, ऐसा भी आपको लगता है, हमें तो लगता है। ओके तो सबसे पहले आयशा से शुरू करते हैं। अभी ताली नहीं बज रही तुम लोगों की, प्लीज प्लीज ओ स्वागत करो। कंधे पे, ये तो फ्लाइट में तो सबसे पहले आयशा से शुरू करूंगी। आपको शायद याद होगा, आयशा आई थी तो मैंने उनको बहुत अच्छे से रिसीव करा था इस घर में, एंड आई रियली कनेक्टेड टू हर स्टोरी। बट अचानक से इसी गैलरी में उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जो मुझे, जिसको मैंने काइंड ऑफ अवॉइड कर दिया था, और मेरे मुंह से शब्द निकला था ओ गॉड मेरे को घर जाना है। उन्होंने मुझे कुछ डबल बेड और सिंगल बेड की बात कर दी थी, और कहा था कि आप जाके किसी के साथ डबल बेड पे सो जाइए, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा आपको। एंड मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। वीकेंड के बार पे सर ने बोला कि एक कोई गर्ल आती है जो आयशा है, और वो आ